हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में लेक्चर नंबर 9। और जो कुछ हम स्टैंडर्ड सिग्नल डिस्कस कर रहे हैं उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डेल्टा या फिर यूनिट इम्पल्स फंक्शन, जिसे हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान से आपको समझना है। एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, और उसके इनपुट पर अगर आप यही सेम फंक्शन यानी कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन अप्लाई करते हैं उसके इनपुट पे, तो उस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसी को हम कहते हैं उस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये टर्म कई बार आपकी यूज़ होती है इसीलिए इसको यहीं पर क्लियर करना ज़रूरी है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर फिगर में शोन है आपको जो डेल्टा फंक्शन है, आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो t इज इक्वल टू जीरो पर ही ओनली प्रेजेंट है आपका, यानी कि अगर इसकी विड्थ को हम e कह लें और वो टेंड्स टू जीरो है और t इज इक्वल टू जीरो पर जो इसका एम्पलीट्यूड है वो भी इन्फिनिटली लार्ज है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एरिया होगा अंडर दिस पल्स वो हमेशा यूनिटी होगा और इसी यूनिटी एरिया के कारण ही इसको हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कहते हैं। मैथमेटिकली भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जो एरिया होगा अंडर यूनिट इम्पल्स उसको हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टी डी टी, वो हमेशा आपका वन होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन। और मैथमेटिकली आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल्टी इज इक्वल टू आपका है ज़ीरो फॉर टी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और इज इक्वल टू है इन्फिनिटी फॉर टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यही मैंने आपको समझाया है कि इन्फिनाइटली लार्ज होता है टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है डेल्टा फंक्शन या फिर यूनिट इम्पल्स फंक्शन वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डेल्टा फंक्शन की। तो स्टार्टिंग में मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली आपकी सैम्पलिंग प्रॉपर्टीज़। तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपका कोई सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, और उस आपने मल्टीप्लिकेशन किया है डेल्टी माइनस टी एम, और डेल्टी माइनस टी एम क्या है आपका टाइम शिफ्टेड वर्जन है आपका डेल्टा फंक्शन का, जो भी हम डिस्कस करके आए हैं ये मैंने यहाँ पर उसको ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो t इज इक्वल टू टी एम पर ही ओनली प्रेजेंट है। लास्ट केस में t इज इक्वल टू जीरो पर प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पर t इज इक्वल टू टी एम पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं डेल टी माइनस टी एम पर। तो अगर डेल टी माइनस टी एम और एक्स टी कोई फंक्शन है उन दोनों की आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको जो है एक्स टी एम मिलेगा, यानी कि जो आपका सिग्नल है वो आपका टी एम पर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे जब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसीलिए इसको हम इस प्रॉपर्टी को सैम्पलिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई आपका सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, और आपने डेल्टी यानी कि डेल्टा फंक्शन के साथ में उसका कॉन्वोल्यूशन किया हुआ है, यानी कि ये जो साइन है ये आपका कॉन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्वोल्यूशन के बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर आपने एक्स टी कॉन्वोल्यूशन किया है डेल्टी के साथ में, आपको फिर सेम फंक्शन ही रिपीट होगा, यानी कि सेम जो आपका फंक्शन है वही मिल जाएगा, सेम सिग्नल। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ईजी है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। एक है कि डेल ए टी, ए अगर कांस्टेंट है तो ये इज इक्वल टू होगा आपका वन अपॉन ए डेल टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें डेल माइनस टी अगर होगा वो इज इक्वल टू होगा डेल टी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में काम आएंगी, वहाँ पर आप इनको उपयोग देखेंगे। उसके बाद है आपका यूनिट सैंपल सीक्वेंस। तो यूनिट सैंपल सीक्वेंस क्या है, बेसिकली ये आपका डिस्क्रीट टाइम वर्जन है यूनिट इम्पल्स सिग्नल का, जो भी हम पढ़ के आए हैं, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल एन से, ठीक है,
और डेल एन के बारे में ये समझ लीजिए कि एन इज इक्वल टू जीरो पर इसका एम्पलीट्यूड वन होगा, अदरवाइज एन की जो दूसरी वैल्यू है यानी कि जीरो से हट के वहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो होगा। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू जीरो पर इसका एम्पलीट्यूड वन है और एन इज इक्वल टू जीरो के अलावा इसका एम्पलीट्यूड जीरो है। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सीक्वेंस की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि डेल एन इज इक्वल टू होगा विद इन अ ब्रैकेट इस तरीके से लिखेंगे और ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है आपकी एन इज इक्वल टू जीरो पोजिशन को, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू वन है अदरवाइज जीरो है, ये आप देख सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझना बहुत ही आसान है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स, यानी कि जो भी हमने पढ़ा है डेल एन और डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल यानी कि यू एन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। तो सिंपल है, इसको आप याद कर लीजिए कि डेल एन इज इक्वल टू होगा आपका यू एन माइनस यू एन माइनस वन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब यूनिट स्टेप सिग्नल हमने डिस्कस किया था तो उसको हम इस तरीके से प्लॉट करते थे, यानी कि वैल्यूज की हर एक पॉइंट पर एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर आपको इन्फिनिटी आपको वैल्यू वन मिल रही थी। और डेल एन माइनस वन क्या होगा, शिफ्टेड वर्जन है तो ये वन से स्टार्ट होगा, एन इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से आपका होगा। तो अगर आप इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यू एन में से यू एन माइनस वन, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा एन इज इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू होगी, और एन इज इक्वल टू जीरो पर आपका एम्पलीट्यूड है वन, तो उसी को हम कहते हैं आपका डेल एन। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि डेल एन इज इक्वल टू होगा आपका यू एन माइनस वन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी के साथ साथ अगर आपको यू एन निकालना है तो यू एन जो होगा वो आपका होगा समेशन ऑफ के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी डेल एन माइनस के, यानी कि जितने भी आपके डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल हैं उन सभी का समेशन लेंगे आप के इज इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आपको यू एन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे, प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, इसीलिए इनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हम यूनिट सैंपल सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं सैंपलिंग के लिए भी, यानी किसी भी सिग्नल की सैंपलिंग के लिए हम यूनिट सैंपल सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरीके से, अगर कोई आपका सिग्नल है एक्स एन और उसको आपने मल्टीप्लाई किया है यूनिट सैंपल सिग्नल के साथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स एन डॉट डेल एन, तो आपको एक्स ज़ीरो ये रिजल्ट मिल जाएगा। और ये क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि डेल एन इज इक्वल टू वन होता है फॉर एन इज इक्वल टू जीरो ओनली, तो इसीलिए आपको जो है एक्स ज़ीरो मिल जाएगा, यानी कि जो ज़ीरो पर वैल्यू होगी एक्स एन की वही आपको रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि अगर आपने एक्स एन और डेल एन माइनस एन नॉट के बीच में मल्टीप्लीकेशन किया है तो आपको एक्स एन नॉट रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इनका यूज़ आने वाले प्रॉब्लम्स में हम किस तरीके से करते हैं, तो इनको आप नोट ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट रैंप सिग्नल आपके क्या होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यूनिट रैंप सिग्नल को हम बेसिकली डिनोट करते हैं यू आर एन से, और ये होता है आपका इज इक्वल टू एन फॉर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, यानी कि आप देखेंगे कि अगर एन की वैल्यू आप लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्राफ भी आपका इंक्रीज करता जा रहा है लीनियरली, यानी कि एन इज इक्वल टू जीरो पर जीरो है, वन पर वन है, टू पर टू, थ्री पर थ्री, फोर पर फोर और फाइव पर फाइव एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू आर एन इज इक्वल टू एन फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज एन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये जीरो होगा। उसी के साथ साथ कॉन्टीन्यूअस टाइम रैंप सिग्नल भी इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर टी से, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप टी से, फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऊपर बताया आपको कि अगर टी की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे और तो इसकी आर टी की वैल्यू भी आपकी लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी, और टी की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही सिग्नल मैंने डिस्कस किए हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स में इनका हम यूज़ करेंगे। तो आई होप ये दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से आपके हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक्स मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का समय शुभ रहे, थैंक यू वेरी मच।